हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 20 लेसन है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसके अंदर थोड़ा सा रिकैप भी है सेशन नंबर 19 का। प्लानिंग एंड डिसीजन एड्स, डिसीजन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाता है मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए। फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फॉरकास्टिंग और बेंचमार्किंग। और फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इसके अंदर बजटिंग है, स्केड्यूलिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। और कंटेम्प्रेरी प्लानिंग टेक्निक्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और सिनेरियो एनालिसिस है। सो फॉर एनवायरनमेंट असेसिंग एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट होता है इन्फॉर्मेशन का, बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है, उसको उसकी स्क्रीनिंग की जाती है ताकि एंटिसिपेट किया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके, यानी कि एक्सप्लेन किया जा सके जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में उनको। उसके बाद है फिर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है जो कि आपने ऑलरेडी भी हो सकता है कुछ कोर्सेज के अंदर पढ़ा हो और आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। इसके अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये चार चीजें होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई ना कोई वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती है बाहर से और थ्रेट्स भी मिलते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट उसको बाहर से मिलते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। इसका जरिए क्या किया जाता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। कॉम्पिटिटर्स सारी बातें उनके बारे में जानना जरूरी होता है कि वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके एक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि सारी बातें हर कॉम्पिटिटर का जो एक्शन होता है वो दूसरे कॉम्पिटिटर को असर करता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को असर करता है। सो फॉर असेसिंग एनवायरनमेंट, फॉरकास्टिंग। अब फॉरकास्टिंग क्या होती है? फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करना। फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, अक्सर आपने वेदर फॉरकास्टिंग देखी होगी। उसमें क्या किया जा रहा होता है कि वेदर को प्रिडिक्ट किया जा रहा होता है। फॉरकास्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रिडिक्शन की जाती है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, और वो बेस्ड करता है पास्ट और प्रेजेंट डेटा के ऊपर। फॉरकास्टिंग के मेथड्स हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और जजमेंटल। क्वांटिटेटिव फॉरकास्टिंग के अंदर, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी की बात की जाएगी। ये रिलाई करता है न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, यानी कि नंबर्स के ऊपर और मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके फ्यूचर कंडीशंस को। और क्वांटिटेटिव जो होती है उसके अंदर टाइम सीरीज मेथड और एक्सप्लेनेटरी या कोजल मेथड होता है। टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है कि हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फोरकास्ट किया जा सके फ्यूचर को, और कोजल या फिर एक्सप्लेनेटरी के अंदर जो है वो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, एक वेरिएबल जो है वो वन वेरिएबल कॉज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। और टेक्नोलॉजिकल फॉरकास्टिंग, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी ट्रेंड को, ट्रेंड क्या है और प्रिडिक्ट करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो चेंज आता रहता है, इतना तो आपको भी अंदाजा होगा, तेजी से चेंज आता है। इसकी अगर हम मिसाल लें तो आज से 100 साल पहले जब गाड़ियां नई नई थी तो उस दौर में मैन्युफैक्चरर जो है ऐसे थे जो बोलते थे कि हम सिर्फ जो है वो ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो सेल करेंगे, और उस दौर में लोग खरीदते भी थे क्योंकि जाहिर बात है उस दौर में लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, गाड़ियां नहीं आई थी। लेकिन आज के दौर में अगर कोई ये बात कहे कि सिर्फ ब्लैक कलर की गाड़ी जो है, कोई कंपनी बोले कि ब्लैक कलर की गाड़ी बेचनी है उसने, तो जाहिर बात है कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जिनको ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो पसंद है, क्योंकि आज के दौर में कई सारे ऑप्शंस लोगों के पास मौजूद है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो आता रहता है, तो उसी चीज को जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड। उसके बाद फिर जजमेंटल फॉरकास्टिंग। जजमेंटल ये जो है रिलाई करती है इंडिविजुअल जजमेंट के ऊपर, एक ऐसी फॉरकास्टिंग है जिसके अंदर जजमेंट होती है, जजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से ऐसे केस होते हैं जहां पर सिर्फ जजमेंटल फॉरकास्टिंग ही ऑप्शन बचता है, जहां पर कंप्लीट लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, और या फिर प्रोडक्ट जो है वो नई लॉन्च हुई है, या फिर नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर एंटर हुआ है, या फिर कंप्लीटली न्यू या यूनिक मार्केट कंडीशन है, तो इन वहां पे जजमेंटल फॉरकास्टिंग होती है। सो नाउ द बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के अंदर क्या होता है कि सर्च किया जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को कॉम्पिटिटर्स के दरमियान भी या फिर नॉन कॉम्पिटिटर्स के दरमियान भी।
सो फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, बजटिंग, स्केड्यूलिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. सो बजटिंग, बजट क्या है? बजट आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा, हर साल जो है वो बजट आता है मुल्क का, और इसके अलावा और भी कई इदारे बजट बनाते हैं. सो बजट है असल में क्या? घर का भी बजट लोग बनाते हैं. सो बजट जो है एक न्यूमेरिकल प्लान होता है, नंबर्स होते हैं इसके अंदर. कभी भी बजट जो है वो अल्फाबेट्स के अंदर नहीं होता, बल्कि एक न्यूमेरिकली जो है वो प्लान बनाया जाता है. और प्लान बनाकर, न्यूमेरिकल प्लान बनाकर, फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हैं जारी बातें लिमिटेड होते हैं, तो रिसोर्सेस को एलोकेट करने के लिए टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यानी कि हर एक्टिविटी के हिसाब से रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाता है कि इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेस, इस एक्टिविटी के लिए इतने रिसोर्सेस, इस चीज़ के लिए इतना हमारा बजट है, इस चीज़ के लिए इतना हमारा बजट है, इस हिसाब से जो है वो बजट बनाया जा रहा होता है ना. स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड से मुराद एक खास वक्त के लिए बनाया जाता है, एक साल के लिए या एक महीने के लिए. तो ये होता है. सो एक न्यूमेरिकल प्लान होता है एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को, कि इतने इन एक्टिविटीज के लिए हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, एलोकेट किए हैं इन एक्टिविटीज के लिए हमने इतने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं. और स्पेसिफाइड पीरियड होता है, यानी कि एक साल है या एक महीना है, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है. तो ये हुआ लेसन नंबर 20. आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.